بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं अकाश टीवी। नाज़रीन, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी मौजूदा नस्ल अपने हीरोज़ की ज़िंदगी को टटोलने की कोशिश करे। यकीन जानिए, आप अगर तनकीद को साइड पर रख कर इनकी ज़िंदगियों के छुपे पहलुओं को अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तलाश करेंगे तो आपको हैरान कुन नतायज का सामना करना पड़ेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम जिन्हें पाकिस्तान के मशहूर अदाकार, गुलकार, मौसीकार, पहलवान, हॉकी के प्लेयर, फुटबॉल, बॉक्सिंग और क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी समझते हैं, वो अपने अपने शोबों में ही अजीम नहीं बल्कि बतौर मुसलमान उनके दिल भी रोशन हैं। आप सब शुएब अख्तर को क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा फास्ट बॉलर समझते होंगे जो जब भी गेंद कराने के लिए भागता है उसके हाथ में बिजली, आंखों में गुस्सा, सामने वाले को बाउंसर मारकर जख्मी ही कर देना है। दूसरा ये कि वो क्रिकेट ग्राउंड के बाहर एक प्ले बॉय है, खिलंडरा नौजवान है जो दुनिया में जहां जाता है अयाशी उसका हदफ होता है। ये है वो तस्वीर जो मीडिया ने हमारे कौमी हीरो की नौजवान नस्ल के जहन में डाल दी है। शुएब अख्तर असल में क्या है, इसका दिल क्या चाहता है, वो क्या सोचता है? दुनिया के चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें शुएब अख्तर जैसी शोहरत मिली और वो शोहरत जो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कम ना हुई। लोग आज भी उनकी एक झलक को तरसते हैं, उनसे सेल्फी के लिए बेताब रहते हैं। आप सोचते होंगे कि इस कदर शोहरत का हामिल सुपरस्टार शुएब अख्तर तो बहुत ही मगरूर होगा, क्योंकि मीडिया ने इसकी तस्वीर ऐसी पेश की है कि रिटायरमेंट के बाद शुएब अख्तर जब मैच की कमेंट्री या तबसरे के लिए बैठता है तो उसके अल्फाज उसकी तेज तरीन गेंद से ज्यादा मोहलिक और खतरनाक होते हैं। उसके अल्फाज उसका तबसरा सामने वाले का पोस्टमार्टम कर देता है, लेकिन ये उसका पोस्टमार्टम करता है जो पर्ची पर आता है, जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता और इश्तेहारात में ही हीरो बना रहता है। आज हम जज्बाती, खिलंडरे, जबान के बाउंसर मारने वाले प्ले बॉय शुएब अख्तर की जिंदगी का ऐसा रुख आपके सामने रखते हैं जिससे दुनिया पहले अनजान थी। आए खुद देखें शुएब अख्तर आज अपनी जिंदगी से क्या चाहता है, क्या सोचता है। तेजी शुरू से थी, शुरू से मतलब तेजी 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 तेजी, हर काम जल्दी 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 और करना है, और कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग थी, तकवा इतना स्ट्रांग था कि जो मांगा वो मिला। तो मेरे बनने में शुएब अख्तर का हाथ हो रही है, कुदरत का है, मुल्क का है, दुआओं का है, अनसीन बिलीव्स का है। मैं बड़े मज़े से पाकिस्तान में घूमता हूँ, ना मेरे पीछे टैक्स वाले हैं, ना मेरे पीछे ISI वाले हैं, ना मेरे पीछे कोई उधार वाले हैं, ना कोई चोर चक्की, कोई एहसान नहीं किया मैंने मुल्क पे, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, खुला डुला घूमता जी। वो फटी पैंट होती है, एक साइकिल होती है, पूरा इस्लामाबाद पता हुआ शेप जा रहा है, परवाही नहीं मुझे, कोई तंग ही नहीं करता, कोई आवाज़ नहीं कसता, एक कम इज्जत है। पहले मुझे साइकिल मिली, साइकिल ना उतरा ही था ना, जब जाते ना पैदल जोड़ते तो बाद मेरे बड़े बड़े होते उड़ते थे, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का ना सबसे लकीस्ट आदमी हूँ। सो उस फील का मज़ा लिया मैंने। ये जितने मेरे साथ में फेलो क्रिकेटर्स हैं ना, इन्होंने मज़ा नहीं लिया अपने आप का, कोई अपना भी मजा लो ना, हवा में गुनाह करके छोड़ दे, समेटेगा कौन भाई? वो समेटने भी तो होती हैं चीजें दुनिया में, ऐसे तो नहीं निकल जाता ना दुनिया में। कहते ना जी, अब गुर्बत को भी ना चमका है, गुर्बत को भी चमका है, और जी के जिए जो है दिल में कह दे। अब इस लेंस के सामने कितना झूठ हो सकता है, कितना फेक हो सकता है, करोड़ों की चीजें पहनी है, अल्लाह की कसम कोई सुकून नहीं आता। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। तो मेरे ज़्यादा ना किसी ने फेम देखा है इस मुल्क में, क्योंकि तो दुनिया लाड ही करती है नज़र। अब मुझे छोड़े हुए 8 साल हो गए, लेकिन उनकी मेमोरीज में अभी तक मैं हूँ। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो पैसा आपको सुकून नहीं दे सकती। ये ढूंढते हैं सुकून पैसे में, इधर भी हाथ मारा, उधर भी हाथ मारा, ये भी पकड़, वो भी पकड़, और मैं कहो भाई और ये इस मुल्क से गद्दारी करेगा, जहाज़ें फट जाएगा, सर पे गोलियां लग जाएंगी, मरेगा, और सबके अंजाम देख ले, और जो इसके साथ रहा अल्लाह ने नवाजा उसको, और बड़ा समझाया मैं मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ को, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट ऑफ मोहम्मद आसिफ। मैंने जब ये हुआ ना मोहम्मद आमिर और आसिफ का, तो मैंने दीवार पर मुक्के मारे, दीवार तोड़ दी, मुझे इतनी तकलीफ हुई दोनों की। और फिर मैं जाके इन दोनों को मारने गया था, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूँ। सो कामयाबी दलेरों का हिस्सा है,
और सच्चे लोगों के हिस्सा और मर जाते हैं फिल्म में, वो इन ये आजमाइश की एक पैमाना है, तुझे मरना जरूरी है, तेरे हीरो को मरना जरूरी है। वो ठीक है जी, मरना तो सभी ने, और जाओ तो शेरों की तरह ना। सो मेरा ये था कि यार कि पाकिस्तान को धोखा नहीं देना, मैच फिक्सिंग नहीं करते, और मेरे इर्द गिर्द मैच फिक्सर बैठे हुए थे, वो इतनी मैच फिक्सिंग, और आसिफ ने मुझे बताया कि हमने कौन कौन से मैच फिक्स किए और कैसे किए। तो मैं कहा, मैं भी उस मैच में, तो मैं क्या कह रहा था, सर आप तो मलंगा आदमी, आप अपना जोर लगा रहे थे, हम अपना जोर लगा रहे थे। मिलियन डॉलर, 4S, 2S क्लास, 4 कनाल के घर, और द अपार्टमेंट इन फुलम रोड इन इंग्लैंड, मैच फिक्स कर दे। तो उसको बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी कौन कौन फिक्स है, सर ये भी हैं सारे हैं, एक और लड़का शुएब भी है। उन्होंने कहा इट्स हार्ड टू बिलीव, कहते नहीं सर उसका एविडेंस मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा क्या, ऐसा कि मेरी आंख फटी हुई, उसने मारा है मुझे। उन्होंने कहा सर उससे बड़ा कोटा है मुझे मार के। अच्छा, मुझ पे लगा लगा इल्ज़ाम मेरे मुल्क वालों ने, एक कर दिया वो करो पागलो, नया फास्टेस्ट बॉलर नहीं आना, और नहीं आना, ये अल्लाह ने दफा दे दिया, मजा ले इनका ब्रांडिंग कर इसकी, वो सारी चीज़ भी आते हैं, वही अपने बंदे को इनहेंस ही नहीं कर रहे। और आई एम सॉरी टू से दिस, आप हमारे बड़े बड़े नहीं बन सकते आज भी। तो और दूसरा, PCB एक वाहिद एक बकवास इदारा है जिसमें आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि इसके लगाने वाले कुछ चेयरमैन को ढंग का बंदा ही लगा लो, कोई विजनरी लगा लो, अल्लाह के बंदे, कोई इतनी बड़ी अकेडमी, उसमें कौन सा शुएब अख्तर निकला है आज पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी की तरफ, और कौन से शुएब अख्तर निकाल लिया आपने, और इसको मैं बलडोजर फिरा के ना, मैं पंजाब गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर से मिलते करूँ, मैं सर मुझे यहाँ पे 10 टावर खड़े करने, मैं 4 टावर खड़े करना चाहता हूँ, उससे जो इनकम आती है मैं रीजनरेट करता, इनकम को रीजनरेट करके उसको सिस्टम में डालता। तो मुझे अभी लोग ना इस हालात में बोल रहे हैं वो यार शिफ्ट हो जाओ, पासपोर्ट ले लो, मैं कहा पागल हो गए तुम, और ये इस पे ये आप इस्लाम की ज़ात पाक का खसूसी नज़र है भाई, और मदद है इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी, इसलिए मैच फिक्सिंग में नहीं घुसा। मुझे लोग कितना वो प्ले बॉय का फलान का तो ये का तो लड़कियों के स्कैंडल तो वो स्कैंडल, अच्छा वो सारा उन्होंने कहा जी, बट मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पढ़ा है, मैंने अभी तक 300 ओलिया इकराम पढ़ बैठा हूँ, आले बैत की सारी हिस्ट्री पढ़ बैठा हूँ, मैं अभी भी इराक गया हुआ था, मैं अभी इमाम अली अकबर तशरीफ लाया, तो वहाँ से मैंने हकीक लिया, नस्बत रखी मैंने अपने आले बैत के साथ, नस्बत असहाबा इकराम के साथ नस्बत रखी, रूह का तल्लक नेकी के साथ है, उसको सेटिस्फाई करने के नेकी नहीं करेगा तो अंदर से बेचैन ही रहेगा। ये आसमान की चीज़ है तो उसकी ज़मीन को चीज़ों के साथ सेटिस्फाई करता है। हम ऐसे हमारे साथ करिश्मात और मौजज़ात होते हैं हमारे साथ, हम देख के मानते हैं, अल्लाह महसूस करने की चीज़ है ना, अब तू कितना महसूस उसको कर सकता है, ये तेरी जिब्लत पे अल्लाह ने रखा है, तेरी जिब्लत को इनहेंस कर, हम कमज़ोर हैं, मान कमज़ोर है, लेकिन तौबा तो कर, माफ़ तो कर, किसी को माफ़ करेगा तो ऊपर से कोई माफ़ी मिलेगी ना, इधर से तू बना हुआ फ्रॉन, फिर तूने मुल्क को भी दगा देना है, फैमिली को भी। आई एम ऑलवेज क्विक टू फॉरगिव पीपल, और मैं जिस सोचों में ना सोचों में माफ़ कर देता हूँ, और मेरे लिए ऊपर से सिस्टम चल जाते हैं। और दूसरी मेन वजह मेरी माँ की खिदमत है, अपने बाप को जब भी डालता था मैं अब्बा जी, अरे पुत्र इतना फेमस है तो क्या करता रहता है, वो भी तो 50,000,00,000 रुपये जेब, ओ पुत्र क्यों पा रहा है पैसे, और मैंने क्या, और मैं कभी उड़ा देना, तो इस किस्म के लाड अपने माँ बाप से करता था। अपनी माँ को आज भी कुट कट के उसको एक्सरसाइज करा के जी, बीबी की मालिश मुलिश करके, दबा दबू के उसको ईज ऑफ करके, सारी रात फिर पता नहीं दुआएं करती रहती है, क्या क्या तुम्हारे सियाने गए, मैं केड़े सियाने, कौन से सियाने, वो तेरे सियाणों को वैसे तो ये आलू है हमारा, कौन से सियाने, वो 70 साल में क्या काम का पता मिला हमें भी, अल्लाह माफ़ करे प्राइम मिनिस्टर साहब सारी चोर है, और इनका जो ख़त्म हुआ तब मैं जज करूँगा इनको, कौन काम का बंदा मिला हमें, वो किसने विजनरी कोई सोच लेके आया है, वो किसने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, फैक्ट्री में बिजली फ्री कर देते हैं, वो काला बाग डैम बना देते हैं, कोई काम कर देते हैं,
वो इतनी ताकत थी मुशर्रफ के पास, बड़ा कुछ कर सकते हो। ये हिस्ट्री बताती है मुझे, मक्का के जैनों से कोई बड़ा जैन मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसी कोई जात तो हो या उनकी नकल करने वाला तो कोई हो। मदीना की रियासत जरूर बनाए, और मदीने वाले जैसा तो पहले बन। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मदीना की रियासत ऐसे नहीं बनी, मदीने वाले ने आखिर इस्लाम की जात बात क्वालिटी तो लाओ। तो अबू सुफयान को माफ़ करना तो देखो, मैया को माफ़ करना तो देखो, औलादें कट गई, कहा ही कुछ नहीं, माफी माफी। तो ऐसी खुशियात लानी पड़ेगी आपको। तो जगह पाकिस्तान से ज्यादा टैलेंटेड लोग, इससे ज्यादा जबरदस्त लोग, इंडिविजुअल दुनिया में गिनते। नाशिक की आपकी स्ट्रगल है तो है, मानो गलत है तो गलत है, वो तो बात ठीक है, लेकिन स्ट्रगल को तो ना भूलो यार। जरदारी साहब की एक स्ट्रगल है, जो किया सो किया, वो छोड़ो स्ट्रगल तो देखो। शेख रशीद की स्ट्रगल है तुम मानो, मरीन नवाज की स्ट्रगल है, आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की स्ट्रगल है। गलतियां हुई तो ठीक है, लेकिन मानो तो सही। वो सबको बुरा तो नहीं कह सकते ना, उसने कुछ अच्छा भी किया होगा ना। सो मैं ऑनेस्टली मैं नहीं समझता। देखिए, हर मुल्क में फौज होती है, या आपकी या मेरी किसी, आई वुड रादर लिव विद माय ओन आर्मी। ना ये है अपना के मैसेज टू सिर्फ मैं आऊँ या ना आऊँ या मैं कुछ और करूँ, पता नहीं, आई डोंट नो। आप जब सबसे कंफ्यूज, मिट्टी से भी मिट्टी हो जाए, लेवल ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल आ जाए, ठुडे लगने शुरू हो जाए, रियलाइजेशन आ जाएगी कि यार नहीं, अब प्लीज। जब सरेंडर किया ना जैपनीज आर्म फोर्सेस के चीफ ने, तो उसने पिस्तौल नीचे रखी, टूल उठाया, पेचकस उठा लिया, उन्होंने कहा मैं ले डाउन द वेपन्स, वांट टू पिक अप द टूल्स नाउ। लुक एट जापान, माय लॉर्ड, क्या दुनिया की गाड़ी बनाते हैं, क्या करते हैं, ओ पिक अप द टूल्स। और मेरे मुल्क के बड़े शेर के बच्चे हैं, वो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए वो बंदा तो कोई मिले। उम्मीदें बड़ी इमरान भाई से, डिलीवर कर पाए न पाए, ये मौका अल्लाह ने दिया है उनको, और उम्मीद पूरी है अल्लाह से। शेयर करें, महंगाई डबल से ट्रिपल होगी। अब वो कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, लेकिन एक वाजिया रोड मैप के साथ इमरान भाई को आना चाहिए। और मैं ये स्ट्रेट वे समझा था, पहले 50-60 दिन में धमाका होएगा, हट जाओ पर सारे, बहुत भागो यहाँ से, 3-4 को पकड़ा, चलो तुम तो साइड पे होना, बाकी सब सीधे हो जाओ, इधर आ जाओ। पैर से पकड़ के दिमाग लाते, इकोनॉमिस्ट लाते, और बड़ी बड़ी हमारी कमाल खातून ने वर्ल्ड बैंक में काम करे, मैं 10 को जानता हूँ। आ जा बीबी, आ जा बैठ जाए यहाँ पे, नहीं आना सामने ना, पीछे तो बैठ बीबी, आ अपना दिमाग यूज करते, आप बता क्या करना है। वो बंदे पकड़ के ले आ खड़े कर, हाँ भाई क्या करना, करना तो है ना, यही मौका है। बात है जिंदगी, रिग्रेट्स है, तो आई एम श्योर ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड लेट्स सी, आई कैन जज हिम आफ्टर फ्यू इयर्स। फेक ना बनो, फेक ना बनो, यू नो, जो दिल में है कह दे, और अपने साथ कभी झूठ मत बोल, अपने साथ तो झूठ ना बोल कि तेरे में कमी है, मान जा तेरे में कमी है, ओफ चाय तो फ्री जाते, और तेरे ज़्यादा सोना है भाई, मान लें वो सोना है भाई, सोना है ठीक है, बड़ा स्टार है, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी में क्या हूँ, उसको इनहेंस कर, मजा ले। शाहिद अफरीदी को ऊपर का जरा, और नहीं बड़ा बड़ा स्टार है, चला जी है जी, मेरी कपड़ी मार्केट मुझे अल्लाह दे रहा है। मौला अली से जहाँ से जहाँ आपने अपने 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 भाई से अपने नबी से इल्म लिया, तो फिर उनके रोज़ा रोज़ा पे गया, सलूट किया साहब को, सलूट किया, और वो फख्र किया यार, हम इनके मानने वाले हैं, हम साहबा ग्राम के मानने, हम नबी के मानने। और एकदम जुनेद बगदादी बनने की कोशिश मत किया करो, दिन में जहाँ 100 दफा झूठ बोलते हो, उसमें आज एक काम करके 99 दफा झूठ बोल देना, एक दफा, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। नमाज पढ़ी तो दुनिया तल्ला खत्म हो गया, क्यों भाई, ये दुनिया का वाइज स्कूल तो 5 दफा लगता था मस्जिद नबी,
कौन से दुनिया के मसले हल नहीं वहाँ पे होते थे? टैक्स के मसले हल नहीं हुए, ज़कात के हल नहीं हुए, बेवा के हल नहीं हुए, खाने और पीने के, तजारत के, मालगरी के हल नहीं हुए। तो यार हम कौन, हम किधर से हैं? हम अपनी हिस्ट्री को आग लगा दें, क्या करें हम? वो सीखो तो सही ना, हर चीज़ मेरे लिए पैसा पैसा पैसा। वो बनाओ जी, वो मना किया अल्लाह ने आप, वो हलाल तरीके से खा, उधार लेना नहीं, उधार देना नहीं, माल को बता के बेचना। तो ताजर अल्लाह का दोस्त होता है, इंसान का बच्चा बहुत, यहाँ से रेडी वाला भी चोर है और बड़ी कंपनी वाले भी चोर है। वो कभी एल मुसलमानों की मिरास हुआ करते थे, कोई मुसलमान इजादात करते थे, एनके बनाते थे, जी लेंस हमने बनाया, कैमरे का लेंस हमने बनाया है जी, एस्ट्रोलॉजी से ले के पैथोलॉजी तक हमने सारा कुछ किया यार। हमने 110,000 इजादात है मुसलमानों की, वो किधर है? वो पिंड दादन खान में वो अलबरूनी साहब आके वो ज़मीन का खतर निकाल के पूरा, इतनी बड़ी ज़मीन है। ओ यार क्यों से हम लोग हम किधर चले गए? चूँकि हमारी तारीख है, और मुसलमान जाहिल हो नहीं सकता। अब दुनिया में 57 मुल्क मिल के भी एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सकते, शर्म आनी चाहिए आपको सबको। आई एम स्टिल होपिंग थोड़ा फेंटा और खा लें, वो ठुड्डे ठुड्डे हमें लग जाए, ठुड्डे छुड्डे हमें लग जाए, और ठुड्डों के बाद हम कौन बन जाएंगे? आई एम टेलिंग यू कि इसी मिट्टी से फिर सोना उगलेगा। जिंदगी जस्ट खेल तमाशा, ये 4 दिनों का मेला है, ना कर बंदे हैं मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का मेला, दुनिया फिर मिट्टी की तेरी। रहा नाम उसका जो जो अल्लाह का होके जिया, नबी का गुलाम होके मरा, हाय हाय उसके चर्चे रहे। वो मैंने ना अकबर की कब्र ही नहीं पता किधर है, ना उसके किस्सों में किस्सा रहा, ना दास्तानों में दास्तान रही है। खिलजी किधर गया? वो बड़ा वो ताड़ी मारते थे, पूरा हिंदुस्तान हिल जाता था। वो निज़ामुद्दीन हो गया था, वो बायज़ीद बस्तानी साहब है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और हिंदुस्तान के बादशाह आज भी बने बैठे हैं अजमेर में। ऐसी ज़िंदगी जीत के मार, ऐसी ज़िंदगी गुजार कि मरने से पहले भी लोग मुझे प्यार करें, मरने के बाद भी तुझे जिसने बुलाया वो भी प्यार करें। तो किसी किसी से आवाज़ मार बैठा हुआ, तो आई जस्ट फेल मेरा ऐसे कामना शुरू हो गया। सो आई जस्ट ओह गॉड थैंक यू वेरी मच, नमाज खत्म की, सजदा की, मैं या अल्लाह कितना मेहरबान, तो कितना अच्छा है, हैं और हम कितने बुरे हैं। चल मेरी झूठी जबान से अपनी सच्ची तारीफ सुन ले, तो फिर बड़ा खुल के अल्लाह के साथ सोच लिया, अल्लाह ने कनेक्शन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो मैंने हज़रत मौला अली का फिर नाम रखा, फिर दूसरे का नाम भी मुजद्दद अली अख्तर रखा। ये जो जो आले बैत की मोहब्बत है ना, ये बाप की विरासत नहीं है, ये माँ की शराफत की वजह से। सो बहुत सारे देखिए अनसीन बिजनेसेस हैं, अनसीन दुनिया में नेटवर्क्स हैं जो आपको नज़र ही नहीं आते और आपके लिए काम कर रहे हैं। कभी आपने गाड़ी चलाते हुए तेज़ हवा में, याद आपको वो तूफान आया लाहौर में, आप गाड़ी चलाई राय बड़ी, वो आपने मारी थी, ब्रेक आपने लगाई, इस तरह बंदा आया गाड़ी इस तरह अचानक मुड़ गई, वो किसी ने तो हाथ पकड़ा होना आप, आपके साथ मदद बड़ी है ही मदद सारी गायबी। इंसान के पास में एक चीज है, वो इख्तियार है, इख्तियार, वो फैसला करने का इख्तियार। ये पस्तौल है, ये उसे घोड़ा है, दबाना नहीं दबाना, मर्जी दे रही। उसके बाद इंसान को कख भी नहीं है, नींद को रोक कर देख लो, सांस को रोक कर देख लो, बूढ़ा होने से रोक लो, मौत को रोक लो, है जी, और मौत पूरी जिंदगी है। सो तैयारी करो, तैयारी करो, ऐसा जियो यार, हेल्प करो दुनिया की, मदद करो यार। एक मुकम्मल दीन दिया है आपको, उस दीन के साथ प्रैक्टिस करके दिखाइए आप अलिस्तान की जाते पास। इतना खाना खाना, एक थोड़ा छोड़ देना ताकि मैदे में पहले पानी पी लेना ताकि उसकी एसिडिटी बैठ जाए, उसके बाद थोड़ी सी खा ली, कोशिश करें रोज़ा रख ली, जाले जाएं, कैंसर नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, बीवी से ऐसे बात करें, बेगम का ये है, रिश्तेदारों का ये है, नहीं बो तेरे नबी तेरे तो करके दिखाया तो नहीं कबूल गए, फिर खा जूतियाँ दुनिया में, सच तू नहीं बोलता, हक तू नहीं देता, यतीम तेरे हाथों रुल गया, बेवा का माल तुम खा जाते हो,
साना साहिबाल होया, मेरे तो जिगर मतलब जिगर ही फट गया अंदर से। मुझे देखी जा रही बच्ची, अब मैं कैसे कंफर्ट करूँ पैसों से? तो यार खुदा के बंदो कुछ तो यार था सब। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, और एक नेशन का बनना है वो कट्ठे जफी तो पाओ, या फिर उसके लिए और भेंटी खानी। हाय सोशल मीडिया, हाय पहले सोशल, पहले आईफोन, फिर सोशल मीडिया, अब सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा जी मनी हाइस्ट डायनेस्टी देख लो सर, वो किधर हमें तुमने लगा दिया है? वो चाइनीज रोज पढ़ रहे हैं, नोट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुनिया में जदाद कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, तुम कड़े चकना ही लग गए। वो हर इंसान बुरा भी करता है, गुनाह उसकी जबिल्लत के अंदर है, इख्तियारी नहीं है, बहुत सारे गुनाह इख्तियारी नहीं है जो जबकि जबिल्लत में रखा है। हारूत और मारूत का किस्सा तो शायद आपने नहीं सुना, जो दो फरिश्ते हैं सबसे जायद और आप नीचे लाया, शराब भी पी ली, कत्ल भी कर दिया, उन्हें जरा भी कर दिया। वो आज मैं बाबुल में, बाबुल के एरिया में मैं गया तो कुआं ढूंढने कि वो कहाँ लटके हुए अभी तक, अभी तक इधर ही। उन्होंने उत्ते रख, वालदा का दर्जा उसको उठा के रख, बहन का दर्जा उठा के रख, दीदी का उठा के रख, दोस्त है तेरी उठा के रख उसको, उसको एक स्टेचर दे, उसको मुकाम दे। वो रोलते ही रहना है, हमने छोटे ही मात्र रहना, औरतों को काम नहीं लेना उनसे, हमने काम लेना ही नहीं हमने। और हमारी दुनिया कहती है यार हमारी औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, वो बड़ी तेज़ हैं जी, वो बड़ा दिमाग है उनका जी, वो दिमाग काम का माना उनका हमारे साथ, उनको कोई इन्वायरमेंट तो दो, कॉन्फिडेंस तो दो यार, उनको थोड़ा बिलीव तो करो, थोड़ा उनको उस ऑब्जेक्ट से निकाल के थोड़ा और तरह से भी देखने की बंद करो, ताकि कोई पता मज़ा तो आए यार। चलो जी शोल्डर शोल्डर पेचा डालो, लेकिन ये ना हो ना कि औरत का रोल चेंज हो गया, मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, तो ये नहीं है बैलेंस दुनिया का। ठीक है भाई तू इससे ज़्यादा, तू बादशाह बनाया अल्लाह ने, और जा दुनिया में डिसीन कर, लेकिन स्पाइन तेरा मैं हूँ, स्पाइन के बाद बंदा खड़ा हो सकता है जी। नूरजहान की कैंटीन जाती थी जहांगीर के टाइम पे, टन टन टन, ना ना गलत डिसीजन, गलत तवीज़ बांध दे सर। उन्होंने कहा पुत्र आप तवीज़ बांधो, ऐसे काम कर, ऐसे अमल कर जिससे खुद तवीज़ बन जाए। हमारे पास सब कुछ है, किताब भी है, हदीस भी है, करके दिखाने वाले भी हैं, और कर ले और जी ले जिंदगी, मज़ा कर। कल क्या फोन है, दस दफ़ा मारूंगी अगली सांस का पता नहीं, वो आज खुश रहे अपने, आज तू हो जा राजी, दुनिया दी जीत ले बाजी। शुएब अख्तर की बातों को सुनकर यकीनन आप भी हैरान हुए होंगे। इनकी बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि शोहरत तो सिर्फ एक सैराब है जो आपको जिंदगी के असल मकसद से हटाने के लिए वक्त जाया करने का ही सबब बनती है। शुएब अख्तर की बातें सुनकर अगर वो सिर्फ ये सोचें कि इतनी शोहरत के बाद भी शुएब अख्तर अल्लाह और उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी की दुआ करता है और उसके लिए अपनी तमाम पिछली जिंदगी की शोहरत और कामयाबियों को हकीर समझता है, तो हमारी नौजवान नस्ल, खासकर वो लड़के और लड़कियां जो टिकटॉक और सोशल मीडिया के जाल में फंसने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं, उन्हें चाहिए कि अपने 24 घंटों में सिर्फ एक घंटा अपने प्यारे मज़हब को दें जो दुनिया में दीन रहमत है, दीन अमन है। तो यकीन करें इसमें भी उन्हें अल्लाह इतनी शोहरत देगा कि इनसे संभाली नहीं जाएगी। आजजी अख्तियार करें और जिस अजीम मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया है उसे ढूंढने के लिए कुरान और हदीस मुबारक से इस्तफादा हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को दुनिया और आखरत में खुशियों और कामयाबियों से भर लें। अल्लाह हमें दीन और दुनिया की बेहतर समझ अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।